मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को अगस्त 2023 के राशि का अंतरण एवं आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 1,29,886 युवाओं को 34,55,00,000 रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। अगस्त 2023 बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत राज्य के 33 जिलों के 1,29,886 पात्र बेरोजगारों को 34,55,65,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जा रही है। मेरा नाम दिव्य गोरेटी है, मेरा गांव से है। छत्तीसगढ़ सरकार हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। ये बेरोजगारी भत्ता से हमें आर्थिक रूप से लाभ मिल रही है। बेरोजगारी भत्ता में हर महीना 2500 मिलता है और मैं इसके उपयोग मतलब आगे पढ़ाई के लिए करती हूँ। मैं तीरथ कुमार यादव ग्राम सिटीपुर लंबागढ़ चौकी। मोर नाम दिगेश कुमार पंडित है, मैं ग्राम कर जिले सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपए दे रहा है, उसे हम आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। ये सी हो गया बाबा के लिए जो विभिन्न विषय के होते हैं जो हम घर खर्च नहीं कर पाते पैसे में, जो हम इसे ये पैसा से उपयोग करके अपने विभिन्न अच्छे अच्छे चीजों के लिए अच्छे अच्छे मार्ग में जाएंगे। ये बेरोजगारी भत्ता के तहत छत्तीसगढ़ शासन का कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि ये तारीख इस प्रकार से पड़ रहा था कि एक हम लोग महीने के आखिरी दिन इसको हम लोग वितरित करते थे, क्योंकि कल राष्ट्रपति जी आ रही हैं और इस कारण से एक दिन पहले इसका हम लोग देने का फैसला किया, लेकिन आज रक्षाबंधन है इसलिए इसको वर्चुअल ही हम लोगों ने पहले वहाँ बड़ा कार्यक्रम करते थे, हर जिले से सब हितग्राहियों को बुलाते थे, लेकिन इस समय कैबिनेट हाल में ही बैठ के और वर्चुअल इसका हम लोगों ने वितरण किया है। आदरणीय साथियों, सभी बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत आज लगभग 1,29,886 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के 34,55,00,000 रुपया की राशि अंतरित कर रहे हैं। अब तक के 146,98,00,000 रुपया की राशि इस योजना के अंतर्गत अंतरित किए जा चुके हैं। ये बेरोजगार साथियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ये योजना लागू की गई, क्योंकि जो गरीब परिवार है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इस परिवार के लोग माँ बाप हमेशा
अपने आवश्यक खर्च में भी कटौती करके बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। और जब पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं उसके बाद कहीं जॉब नहीं लगता, व्यापार नहीं करता, नौकरी नहीं मिल पाती, ऐसी परिस्थिति में जो युवा साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको लगता है कि मैं घर के लिए बोझ बन गया हूँ। घर के लोग भी बोलते हैं कि कभी कभी उत्तंज भी कसते हैं कि आप इतना पढ़ा पैसा खर्च करके तुमको पढ़ाए लिखाए उसके बाद भी खाली बैठे हो, और बल्कि शासन के द्वारा दी गई। इस प्रकार फीस माफी के निर्णय से 22 लाख से अधिक युवाओं को 32 करोड़ 75 लाख रुपए की फीस की छूट राज्य शासन के द्वारा दिया गया। हाल ही में मैंने प्रदेश में 5 संभागों में युवाओं से भेंट मुलाकात की, युवाओं के अनेक मुद्दे और विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान युवाओं को आत्मविश्वास देकर मैं छत्तीसगढ़ में आने वाले भविष्य को लेकर निश्चिंत हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसे पूरा करने में युवा साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। आदरणीय साथियों, अभी बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ हम लोगों ने जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया, जैसे कि शुक्ला जी ने बताया भी कि 1,30,000 जो युवा हैं उसमें से 12,000 लोग अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मतलब 10%। अब इसको हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 70% तक ले जाना है। हम जितने भी काम करते हैं, सरकार ने जितनी योजनाएं शुरू की है उसमें आप देखेंगे कि जैसे हम गोबर खरीदी करते हैं तो उसका वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसके विक्रय की व्यवस्था हम कर रहे हैं। लघु उपज की खरीदी करते हैं तो उसका वैल्यू एडिशन करते हैं। इमली है तो उसके तरह तरह के उसे सामग्री बनाई जा रही है। उसी प्रकार से आप देखें मिलेट्स खरीदी करते हैं तो उसके बहुत से सामग्री बना रहे हैं, उसकी विक्रय की व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये भी योजना हम बेरोजगारों केवल बेरोजगारी भत्ता दे दें इतने से संतुष्ट हम लोग न होने वाले हैं न होंगे, बल्कि इसके लिए रोजगार कैसे उनको रोजगार कैसे मिले इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पूरे विभाग को, CS साहब को, PS को, पूरे विभाग के अधिकारियों को